खबर मांडा प्रयागराज से। निशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गोदाम में खाद्यान्न उपलब्ध न होने पर नारे लगाते हुए आपूर्ति निरीक्षक का घेराव किया। कोट्टेदारों का कहना था कि गोदाम से उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता उन्हें ही दोषी मानते हुए आए दिन कोट्टेदार पर आकर तरबहादुर करते हैं। मंगलवार को मांडा विकास खंड व भारतगंज कस्बे की कुल 57 कोट्टेदारों ने वितरण कार्यालय मांडा पर जमकर हंगामा किया, साथ ही सरकारी अव्यवस्था के खिलाफ नारे लगाए। कोट्टेदार का कहना था कि 31 दिसंबर तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण की तारीख घोषित की गई है, लेकिन अभी तक गोदाम पर ही जिले से खाद्यान्न नहीं आ पाया है। वही कोट्टेदारों को गांव में उपभोक्ता परेशान कर रहे हैं। कोट्टेदारों को समझाने पहुंचे आपूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार से भी कोट्टेदारों की कहा सुनी हुई। क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद कुमार ने आक्रोशित कोट्टेदारों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है जी, महिला खुर्द के कोट्टेदार सहयोगी हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर इस टाइम एकत्रित आप हुए हैं, क्या गल्ला लेना है आपको? खाद्यान्न हम लोगों को मशीन में लोड नहीं हुआ है। हम लोगों का 31 तारीख तक वितरण दिया गया शासन के द्वारा, आज तक हम लोगों को निकासी नहीं मिली, न ही गोदाम में है। और हम लोग पुराने में भी संकट से जूझे हैं, दो दिन में वितरण किए हैं। तो वजह क्या है इसके पीछे? अभी वजह तो शासन बता सकता है, हम लोग क्या जाने। नहीं, जो आपके ऊपर उच्च अधिकारी होते हैं जी, उनसे आपने क्या जान लिया? यहाँ पे बात करने पता चलता है गोदाम से कि हमारे पास खाद्यान्न शासन के द्वारा नहीं उपलब्ध हुआ है। ये बात किसने कहा यहाँ के? यहाँ के मार्केटिंग महोदय कहे हैं। नाम क्या है उनका? अरविंद कुमार जी। उन्होंने आपसे बात कहा है? हम लोग धरना पे रहेंगे, जब तक हम लोगों को समय नहीं बढ़ेगा, डेट नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग धरना देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मांडा प्रयागराज का मांडा ब्लॉक, यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं विपणन कार्यालय यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर इस तरह से जो समस्या चल रही है, पिछले राशन जो उठाया गया था उसमें भी समस्या यही इसी तरह से था कि एक दिन का समय दिया गया था, कुछ लोगों को राशन मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, जिसमें काफी कोटेदारों को झेलना पड़ा। साथ में ये है कि लोगों को राशन नहीं प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है, जो कि आजकल खेती बाड़ी का कोई काम कर ही नहीं रहा है, कोई चल नहीं रहा है, लोग इसी पर डिपेंड है, इसी राशन पर डिपेंड है। और उस राशन को न मिलने पर कितनी त्राही त्राही होती है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं हमारे अरविंद कुमार, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं मंडा में। और यहाँ खाद्यान्न अभी उठान हो रहा है FCI से, चूंकि अंत्योदय चावल प्राप्त नहीं है, प्राप्त होते ही कोटेदारों को खाद्यान्न की निकासी शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि इन्होंने अभी बताया, जो कंप्लेन इनका ये है कि तारीख दी गई 31, पिछले समय में भी दिक्कत हो गई थी, एक दिन का समय मिला था। उठान तो खुद 31 तारीख तक है, जब खाद्यान्न आना शुरू हो जाएगा तो खाद्यान्न वितरण भी शुरू हो जाएगा दुकानदारों के यहाँ। ठीक है, मानना ये बात आपकी, आपकी 31 तारीख का उठेगा माल, लेकिन जब ये वितरण का जो समय होता है, जो कम समय मिलता है इनको, इसके लिए DSO साहब बताएंगे, DSO साहब बताएंगे। हाँ। इस पे आप किसी से कुछ अवगत कराएंगे, जानना चाहेंगे जी? क्या नाम आपका? दिलीप सोनकर, कोटेदार अध्यक्ष मांडा जी। तो अभी आप जिस तरह से बात सुने हैं अधिकारी के अपने, तो इस बात से क्या संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट है सर, 31 तक वितरण है और मशीन में अगर आज लोड कर दें अगर पूरे कोटेदारों को, तो वहाँ जो है हम लोग वितरण कर, मतलब अंगूठा लगा ले मशीन में और गल्ला चाहे जब मिले। अब जब 31 तक भी संभव है, मतलब गल्ला 3 दिन में इतने 57 कोटेदार को दे नहीं सकते हैं लोग, अब 31 के जो डेट आएगा उसी दिन पूरे मशीन में लोड करेंगे, तो बताइए एक दिन में हम अगर गल्ला उठाएंगे कि एक दिन में हम, हमारे पास 1,000, 650, 700 कार्ड धारक हैं, हम कैसे फिंगर लगाएंगे? वहाँ लोग जो है इतना ज्यादा जुट जाते हैं कि बेच खा लिए हैं, गल्ला नहीं उठाता है हमारा कोटेदार, तो मैं हमारे पास कितना समय है समझ लीजिए। क्या करना चाहेंगे भाई? हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, SDM महोदय से चल रहे हैं मेजा, वहाँ भी बात हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोटेदारों का एकदम साफ साफ कहना है कि अगर हमारी समस्याएं यहाँ पर हल हो जाती हैं, हालांकि ये लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं, जो पब्लिक की ये लोग सेवा करते हैं, उस पब्लिक द्वारा बहुत सारी बातें इनको सुनना पड़ता है, उस पब्लिक के लिए मजबूर है। अब आगे की बात, दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।